हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोरेजीन। पेपर में कुछ आए ना आए, लेकिन ये टॉपिक पक्का आएगा, इसको छोड़ना नहीं है आपको। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट थर्ड है केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। तो आप पेपरों का इतना टाइम बचा नहीं है, ठीक है? तो आप मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन पढ़ लो, जितने मोस्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ो, और थोड़ा अपना मॉरल खोल के एक्स्ट्रा पढ़ लेना, ठीक है? तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग बोरेजीन। चलो साहब, देखते हैं फिर ये आज बोरेजीन क्या करने वाला है। बोरे जीन, इसको भी देख लेते हैं आज। इसका एक नाम है बोराजोल। नाम बड़ा अजीब है, नाम बड़े अजीब है, पर आपको ये बोर नहीं करेगा। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन पढ़ रखा है, और ये है इनऑर्गेनिक बेंजीन। जानते हो उसके बारे में? ये इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है, और बड़ा ही मोस्ट टॉपिक है यार, ठीक है? नहीं, बोरे जीन। देखो, सबसे पहले याद कर लो कि इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है V3N3S6, ठीक है? यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला लिखवा दूं मैं इसका, ठीक है सर? मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है? मोलिकुलर फॉर्मूला, ये मोलिकुलर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि तभी इसके बाद की कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है भाई? B3N3 और S6, ये क्या है बेटा? इसका मोलिकुलर फॉर्मूला B3N3S6, क्या बात है यार! इसका अदर नेम होता है बोराजोल। क्या होता है? बोराजोल। पहले बता दूं कि बोराजीन, देखो ये बोरोन और नाइट्रोजन का पॉलीमर होता है। B3N3S6 यानी कि जो बोराजीन होता है वो बोरोन और नाइट्रोजन का पॉलीमर होता है। जिस तरह से बेंजीन की संरचना समतलीय षट्कोणीय होती है, उसी तरह से इसकी संरचना भी समतलीय षट्कोणीय होती है। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है? फिलहाल तो अभी यह है कि इसमें तीन परमाणु बोरोन के हैं, तीन एटम नाइट्रोजन के, एंड सिक्स एटम हमारे पास क्या, हाइड्रोजन का। फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है? हर एक पॉइंट क्लियर होते हुए चलेंगे, क्योंकि ये बोरेजीन है, पेपर में आएगा तो एक ही बार में तुम्हारे दिमाग में फंस जाएगा टॉपिक। ये इस तरह से मैं आपको क्लियर करवा दूंगा आज, है ना? ठीक है साहब, देखो मैंने क्या बताया कि बोरेजीन जो होता है वो बोरोन और नाइट्रोजन का पॉलीमर होता है। ओके, बोरोन यानी कि यह होता क्या है, यह है बोरोन, ठीक है साहब? यह है बोरोन तथा नाइट्रोजन का, यह बोरोन तथा नाइट्रोजन का पॉलीमर होता है। पॉलीमर जानते हो ना बेटे? पॉलीमर होता है, पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक होता है, ठीक है? यह है बोरोन तथा नाइट्रोजन का क्या होता है? पॉलीमर होता है, बहुलक होता है, ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोराजोल भी कहते हैं। पता चले यार इसको, बोराजोल। कभी कभी पेपर में ये बोराजोल नाम से आ जाता है बेटे। कभी सोचो कि यार ये बोराजोल क्या चीज है, तो पढ़ाई नहीं है। इसे बोराजोल भी कहते हैं, ठीक है? इसे बोराजोल भी कहते हैं। ओके, अबे ओके तो बोल दिया करो यार, तुम तो कुछ भी नहीं बोलते हो, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, सब कुछ क्या करो, ठीक है? इसे बोराजोल भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो जरा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक खास बात और है कि बोराजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो बेंजीन के समान होती है। संरचना ही नहीं, बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन के समान होती है, जिसकी वजह से इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा गया। सोच लो, दिमाग लगा लो एक बार यार आप, कि इसको हमने बेंजीन क्यों कहा, क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट हो सकती है ना, लेकिन संरचना बिल्कुल समान होती है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखो, इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, बेंजीन भी कहते हैं, इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं? कोई तो वजह होगी बेंजीन कहने की, या ऐसे मैंने अपने दिमाग से कह दिया कि भाई इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, है ना? ऐसे नहीं कहा जाता भाई, कोई ना कोई तो कारण होता है। क्योंकि भैया, क्योंकि इसकी समानता, इसकी किसकी किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम? बोराजीन की। क्योंकि इसकी समानता किसके बेटा, क्योंकि इसकी संरचना, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ना, संरचना, वो भैया बेंजीन के समान होती है, ठीक है? ओके, बेंजीन के समान होती है, ठीक है? नहीं, क्योंकि इसकी संरचना जो होती है बेटे, वो बेंजीन के समान होती है। इसको ठीक से याद कर लो, क्योंकि इसकी संरचना बेंजीन के समान होती है। हो भी जाएगा यार, ज्यादा हार्ड पॉइंट नहीं है, समझ में आया कुछ? तो ये बोरोन तथा नाइट्रोजन का क्या होता है? पॉलीमर होता है। इसे बोराजोल भी कहते हैं, और इसे बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि इसकी संरचना क्या होती है? बेंजीन के समान होती है, ठीक है? यानी कि भौतिक गुण भी बेंजीन के समान होते हैं, रासायनिक गुण भी बेंजीन के लगभग लगभग समान होते हैं, लेकिन
आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि क्या मैटर है क्या मैटर नहीं है। चलो साहब आगे देख लेते हैं इस चीज़ को। तो ये नॉर्मली बोरिजिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हमने कर लिया। अच्छा ठीक है, मैं इसकी थोड़ी सी संरचना बनाकर दिखा दूँ क्योंकि मुझे बनाने हैं, बोरिजिन बनाना है, तो एक बार देख लो जरा थोड़ा सा उसके बारे में। देखो ये मेरे पास होता है B3। B का मतलब है कि बोरोन के साथ में मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया है, ठीक है। इसके बाद में मेरे पास यहाँ नाइट्रोजन आता है, फिर मेरे पास बोरोन आता है, फिर इधर मेरे पास नाइट्रोजन आता है, फिर इधर मेरे पास बोरोन आता है बेटे, फिर इधर मेरे पास नाइट्रोजन आ जाता है और नीचे लग जाता है एच, ठीक है, NH, ठीक है। यहाँ भी एक एच होता है, 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 ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ क्या होता है डबल बॉन्ड होता है। इस डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.36 एंगस्ट्रॉम और सिंगल बॉन्ड की होती है 1.44 एंगस्ट्रॉम। 1.44 एंगस्ट्रॉम इस सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है। बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरन इज इक्वल टू 1.44 एंगस्ट्रॉम एंड डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू कितनी होती है बेटा 1.36 एंगस्ट्रॉम। इसके बारे में आगे रिसर्च करने वाले हैं। खाली ये ऐसा करके इसको आप बना सकते हो क्योंकि आगे बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज इसी से होने वाली हैं। या मैं इसको कुछ इस टाइप से बना सकता हूँ, BH, ठीक है, NH, ठीक है, फिर मेरे पास BH, ओके सर, फिर मेरे पास NH, फिर मेरे पास BH और फिर मेरे पास NH, ठीक है, इस टाइप से। और ध्यान देना नाइट्रोजन पे हमेशा निगेटिव चार्ज होगा, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज होगा बिकॉज नाइट्रोजन मोर निगेटिव एलिमेंट देन बोरोन एटम, ओके। तो जो नाइट्रोजन एटम होता है वो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से इस पर निगेटिव चार्ज आता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर डिस्कस करेंगे तो नाइट्रोजन पे निगेटिव होते हैं और बोरोन पे हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है ना। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी घबराओ मत। फिलहाल तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बोरोजन करवा दिया आपको, अब पढ़ लेते हैं इसका प्रिपरेशन। अब क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, बोराजीन है तो बनाने की विधि ही पढ़ने वाले हैं, तो तीन मेथड से इसको हम बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड देख लेते हैं इसका कौन सा होता है। तो इतना याद कर लोगे, हो जाएगा याद, घबराओगे तो नहीं, डर तो ये लग रहा है चीज़ से है, इजी, बिल्कुल ईजी है ये बोराजीन, कुछ नहीं होगा इसमें। फॉर्मूला याद करो, V3N3S6 होता है, कुछ इस टाइप से हम बोराजीन को शो करेंगे। हर एक बोरोन और नाइट्रोजन एटम के साथ में हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होंगे। तो एक सिंपल सा टॉपिक है, आराम से समझ जाओगे। इसको मैं रेस्ट कर दूँ, ठीक है, उतार लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, ठीक है। इसके बाद देखो जरा, क्योंकि रिएक्शन बहुत बहुत बड़ी होने वाली है, किसकी, इस बोरेजीन को बनाने की। चलिए साहब जरा बोरेजीन को बना लेते हैं ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरेजीन, यहाँ से डालते हैं हेडिंग क्योंकि रिएक्शन बहुत बड़ी है। मेथड पर है इजी, पर है इजी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरेजीन, प्रिपरेशन ऑफ बोरेजीन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरेजीन। कितना शानदार नाम है यार, नाम किसने दिया होगा, कहाँ से लाए हैं ये लोग नाम यार, कहाँ से आते हैं ये नाम। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरेजीन है ना, इसको बोरेजीन भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, बोरा जोल भी कहते हैं, कई नाम से पेपर में आ सकता है। पर आप अपने आंसर पे अटल रहना कि यार क्वेश्चन कैसे ही पूछे लेकिन आंसर मुझे यही करना, शॉर्ट में पूछे तो यही पे लियो, लो में पूछे तो यही पो लियो, है ना। तो अब देखो मेरे सबसे पहला नंबर आता है मेरे पास स्टोक एंड फोलेंड मेथड, स्टोक एंड फोलेंड मेथड, ठीक है। बहुत सारे मॉडल पेपर में इसका नाम गलत कर रखा है लेकिन रियलिटी बताऊं तो तुम्हें, ये होता है स्टोक एंड फोलेंड मेथड, फोलेंड मेथड, ठीक है, फोलेंड मेथड, जिसके द्वारा आप बना सकते हो, ठीक है। ध्यान देना, देखो थ्योरी पहले मैं पहले रिएक्शन बनाऊँ, उससे रिएक्शन से आप थ्योरी खुद बना बना के लिख सकते हो, वरना मैं लिखवा दूंगा, क्योंकि अब तक आपने सेकंड बुक में रिएक्शन, फर्स्ट बुक में आपने जितनी रिएक्शन है उसकी सारी थ्योरी आपने लिखी है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितनी आप खुद से करोगे स्टडी उतना बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि आप बनने वाले हो आप टीचर, ठीक है। नहीं आगे देखो जरा, स्टोक एंड फोलेंड मेथड, ठीक है साहब, स्टोक एंड फोलेंड मेथड के बारे में मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, थ्योरी नीचे लिखवा दूंगा इसकी। देखो बेटे सबसे पहले ना आपको डाइबोरेन पकड़ लेना, डाइबोरेन, ये मेरे पास डाइबोरेन है B2S6, क्या नाम है इसका, B2S6 डाइबोरेन, ठीक है साहब, आपने डाइबोरेन ले लिया। चलो साहब डाइबोरेन बन गया मेरे पास, ये N है, ठीक है, डाइबोरेन बन गया मैंने। अब इस डाइबोरेन की क्रिया करवा देनी है आपको NH3 के साथ में, किसके साथ में, अमोनिया के साथ में, और स्टार्टिंग में गर्म करना 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है। चलो साहब अड़ू लूंगा मैं, तीन एक अनुपात दो होता है, तो अगर मैं यहाँ पे छः लूंगा तो मैं यहाँ तीन ले लूंगा, ठीक है, एक अनुपात दो में, तीन धुनी छः। चलो साहब ये जो मेरे पास बन जाएगा वो बन जाएगा बेटे, यहाँ ऐसे का ऐसे ऐड कर दो, पूरे का पूरा ये जैसा था वैसे के वैसे ऐड कर दो, B2S6, ठीक है, .3 यानी कि 2NH3, दिस वन इज इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है, ये वो कंपाउंड है
ये वो वाला कंपाउंड है जो मध्यवर्ती, ऐसे बोलते हैं कि इंटरमीडिएट कंपाउंड है, मध्यवर्ती यौगिक बन गया। अब इसी को मैं जब गर्म करूंगा ना 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है 200 या 250 तक बुकों में लिखा हुआ आता है, लेकिन मेनली स्टार्टिंग में 120 पे गर्म करते हैं, तो ये अमोनिया इतना सा कुछ ऐड हो जाता है, और फिर जब इसको 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हो तो बनता है हमारा बोरेजीन। 3 × 2 = 6, यानी कि 2B3N3S6, दिस वन इज बोरेजीन। बोरेजीन ये आपको बोर नहीं करेगा, मैंने बताया नहीं बोर नहीं करेगा, क्योंकि टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। प्लस प्लस मेरे पास 3 × 6 और 6 × 18, 3 × 6, 6 × 18, 18 × 18 = 36, 6 × 12 हमारे पास यहाँ बैठ रहे हैं, और मेरे पास कितने एच, मैं बाहर कर दूंगा यहाँ से कितने एच बाहर आने चाहिए भाई, यहाँ से बाहर होने चाहिए 12S2, 12S2 खाली हमारा यहाँ से बाहर हो जाएगा, चेक कर लेना एक बार। 3 × 6 और 6 × 18, 6 × 18, 18 × 18 = 36, दो डायरेक्शन मेरे पास बिल्कुल बैलेंस है। अब आप खुद लिख सकते हो कि डाइबोरेन और अमोनिया को, चलो मैं लिख दे रहा हूँ यार, डाइबोरेन और अमोनिया को, ठीक है बेटे, डाइबोरेन तथा अमोनिया को, डाइबोरेन तथा अमोनिया को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर हीट करने पर, एक इंटरमीडिएट बनता है, मीडिएट बनता है, ठीक है बेटा, इंटरमीडिएट बनता है, ओके बनता है, जिसे 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर, बोराजीन बनता है, अगर कहीं कोई मिस्टेक हो रही हो तो आप उसको ठीक कर लेना, क्योंकि यार लिखने के साथ साथ पढ़ाना, ठीक है, बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है एकदम, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको सही कर लिया करो, कि भाई यहाँ पे ये हाइड्रोजन कम हो गया या रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाई ऐसे करके, तो उसको आप खुद से कर लेना, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर मेरे पास आता है लेबोरेटरी मेथड, कौन सा था बेटे, लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला मेथड, ले बोरा, फिर से बोरा आ गया, अबे ये बोरा तो बोरा ही करते, मुझे लगा कि लेबोरेटरी, लेबोरेटरी मेथड, ठीक है, इसको बोलते हैं लेबोरेटरी यानी कि लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। प्रयोगशाला में बनाने की विधि बहुत ईजी है, पता है, अमोनियम क्लोराइड को लिथियम बोरो हाइड्राइड के साथ गर्म कर दो 230 डिग्री सेल्सियस पे, तो भैया बन गया तैयार। देखो देखो, हो सकता है कि आपके पास जो बुक है उसमें टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो, क्योंकि इनके टेम्परेचर सालों ने फिक्स नहीं कर रखे हैं बिल्कुल, पता नहीं कौन सा टेम्परेचर उठाया कहाँ डाल दिया, कहीं 230 कर रखा है, 270 कर रखा है, हर बुक की कहानी अलग अलग दिखाई देती है इसमें। तो लेबोरेटरी मेथड, ठीक है, तो थोड़ी बहुत अंतर में कोई डिफिकल्ट नहीं होता। देखो मैं जो करवाने वाला हूँ, तीन पकड़ना है आपको अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस 3 अणु लेना है मुझे लिथियम बोरो हाइड्राइड के, ठीक है बेटे, 3 अणु ले लेना है मुझे लिथियम बोरो हाइड्राइड के। चलो साहब, अमोनियम क्लोराइड प्लस 3 अणु ले लिया मैंने लिथियम बोरो हाइड्राइड के, तो सिंपल सी बात है, 13 मेरा 7 पुराना लिथियम और सीएल, लिथियम और क्लोरीन को बाहर कर देना है, 3 लिथियम सीएल हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है सर, आपने तो मजे आ गया, बाहर कर दिया। अब देखो N3 कर दो, क्योंकि मेरे पास B3 है, यहाँ से ये 3 B हैं, तो B3 कर दो, ठीक है, N3 कर दो, ठीक है, B3 आ गया, N3 आ गया, B3 आ गया मेरे पास, N3 आ गया, अब भैया मेरे पास S6 आ गया, ठीक है, ये बन गया हमारा बोराजीन, जिसके लिए हम इतनी मारा मारी कर रहे हैं, है ना बेटे, इसके लिए कर रहे हैं बोराजीन, प्लस B3N3S6 के लिए हमने इतनी मारा मारी करी, ये हमारा बन के तैयार हो गया। अच्छा सर, और भी कुछ बाहर हो रहा है यहाँ से? हाँ यार, हाइड्रोजन तो बाहर होंगे हमारे, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए हैं हमारे, बैलेंसिंग देख लेते हैं चेक करके, N3B3N6 6 है, तो मेरे पास है 4 × 12 और 4 × 12, 12 12 24 बैठ रहे हैं, तो 6 बैठ रहे हैं, तो प्लस मेरे पास NO H2 हमारा क्या हो जाएगा बेटे, बाहर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गई, एक बार और चेक कर लेना बढ़िया करके, वैसे बैलेंस है कम्प्लीटली 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो अमोनियम क्लोराइड को, इसको बेटे NH4Cl को, ठीक है, लिथियम बोरो हाइड्राइड के साथ, लिथियम बोरो हाइड्राइड के साथ 230 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करने पर, गर्म करने पर, ठीक है, अपना बनता है बोराजीन, बोराजीन बनता है, ठीक है। देखो टॉपिक लंबा होने वाला है, लेकिन 25 मार्क्स आपको दिलवाया जाएगा, क्योंकि आपके पास 4 क्वेश्चन पैटर्न चेंज किया गया बहुत बुरा वाला, ठीक है, उसमें से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा आपको, ठीक है, वो भी 25 मार्क्स का आएगा, 1 घंटे लगातार लिखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा टॉपिक आएगा, तो ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ो जो 25 मार्क्स के हो। फिलहाल तो
इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मेरे ख्याल से हो गया होगा ये। नमोनियम क्लोराइड को लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ 230 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करोगे तो बोरेजिन बन जाएगा हमारा। अब एक मेथड और रह गया, बताओ करवा दूँ वाला है छुड़वा दूँ? चलो करवा देता हूँ उसको, यहाँ तक का स्क्रीन शॉट लो, फिर इसके बाद देख लेते हैं ना। तो यहाँ तक समझ में आया? आ रहा नहीं समझ में? अरे आ रहा है, बड़ा ईजी टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अच्छा इसका एक मेथड और रह गया अभी, ट्राइक्लोरो बोरेजिन का सोडियम बोरोहाइड्राइड के अपचयन द्वारा बोरेजिन कैसे बनेगा, देखो जरा ध्यान से। ठीक है थर्ड मेथड रह गया मेरे पास, थर्ड मेथड मेरे पास आता है इसका बेटे, क्योंकि तीन मेथड काफ़ी है, बहुत इसके और भी मेथड है लेकिन तीन ही करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं। थर्ड मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं, तो मैं ले दे रहा हूँ यहाँ पे किसके द्वारा, ट्राई 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 क्लोरो, ठीक है ट्राई क्लोरो बोरेजिन, ट्राई क्लोरो बोरेजिन का सोडियम बोरोहाइड्राइड के अपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा, ये मेथड कर लो यार एक। ठीक है बस खत्म करते हैं फिर कहानी बनाने की विधियों में। सबसे पहले देखो मेरे पास ये है बेटे अमोनियम क्लोराइड, क्या नाम है इसका, अमोनियम क्लोराइड प्लस, ठीक है सर अमोनियम क्लोराइड आपने बता दिया, ठीक है अमोनियम क्लोराइड मैंने पकड़ लिया पकड़ लिया। फिर मेरे पास तीन अणु लो, इसके तीन अणु लो बोरोन क्लोराइड के, बोरोन क्लोराइड के, तो बेटे यहां बनेगा ये Cl3, ठीक है फिर सर क्या बनाओगे आप बताओ जरा क्या बनाओगे, B3, ठीक है ठीक है, फिर N3 और फिर मेरे पास H3, ठीक है B3 N3 H3 मेरे पास ये बनकर तैयार होगा। इसको बोलते हैं हम ट्राई क्लोरो, यानी कि बीटा ट्राई क्लोरो बोरेजीन, बीटा ट्राई क्लोरो बोरेजीन, ठीक है प्लस हमारा क्या भार हो रहा है चेक कर लें एक बार, 3 3 9 और 4 3 12 तीन ही आ गए, 3 लगा मेरे पास 3 HCl मेरे पास बाहर हो जाएगा, ठीक है 3 HCl यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है हो गया बाहर मेरे पास। मैंने इसको हीट करा होगा, क्या करा मैंने इसको हीट करा, और कितने टेम्परेचर पे 170 डिग्री सेल्सियस ताप पे इसको मैंने करा हीट, ठीक है इसको पकड़ लो अब, ठीक है अब इसको पकड़ लो, इसका नाम यहाँ लिख देंगे हम Cl3 V3 N3 H3 और इसको बोलता हूँ मैं बीटा ट्राई क्लोरो, ठीक है बोरेजीन, बोरेजीन, ठीक है प्लस दोनों पकड़ने हैं, और भैया सोडियम बोरोहाइड्रेट के 6 अणु पकड़ के कर देना इसको हीट, कितने अणु पकड़ के 6 अणु, तो सिंपल सी बात है 13 मेरा 7 पुराना 6 Na है तो 6 NaCl बाहर हो जाएगा मेरे पास ये वाला, ठीक है 6 NaCl बाहर हो गया, ठीक है 6 NaCl बाहर क्यों, क्योंकि 3 2 6 और 6 NaCl बाहर, इसका काम तमाम हो गया। B3 आ गया मेरे पास, ठीक है भाई कितने B3 हैं 2 लिखेंगे 2B3 N3 और मेरे पास कितने हैं S6, 2B3 N3 और S6 ये बन गया मेरे पास बोरेजीन, अपना मेन कंपाउंड बोरेजीन, अपना मेन कंपाउंड ये बड़ा बोरेजीन, ये अपना मेन कंपाउंड है B3 N3 S6। अब प्लस एक चीज मेरे पास और बाहर हो रही है इसमें, और वो चीज़ क्या बाहर हो रही है वो भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से बाहर होगा B2 S6 3 B2 S6, ठीक है 6 दरिया ना मेरे पास 6 दरिया, तो 3 B2 S6 बोलते हैं डाई बोरेन, क्या बन गया बेटा ये डाई बोरेन, ठीक है ये बना मेरे पास डाई बोरेन, ऐसे होता। तो सिंपल सी बात है अमोनियम क्लोराइड और VCl3 को 170 डिग्री सेल्सियस ताप पे जब हीट करोगे आप तो बनता है मेरे पास बीटा ट्राई क्लोरो बोरेजीन, जिसको और अधिक जिसको गर्म करने पर, जिसको सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ गर्म करने पर क्या बनता है हमारा बोरेजीन बनता है। मैं लिख दे रहा हूँ उस थ्योरी को, NS4Cl तथा VCl3 को कितने टेम्परेचर पर बेटे 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करने पर गर्म करने पर क्या बनता है हमारा बीटा ट्राई क्लोरो बोरेजीन, बीटा ट्राई क्लोरो बोरेजीन बनता है, बोरेजीन बनता है, ठीक है जो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ क्या करके अभिक्रिया करके क्या बनाता है अभिक्रिया करके बताओ जरा, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके ठीक है बोरेजीन बनाता है बस सिंपल सी बात है यार, बोरेजीन बनाता है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है ये, बिल्कुल सिंपल सा, तीन मेथड हो गए हमारे और तीनों के तीनों मेथड प्रिपेयर करो बढ़िया करके, इसके बाद पढ़ लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेजीन, ठीक है तो बोरेजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, ठीक है बताओ ये ठोस होता है लिक्विड होता है या गैस होता है किस फॉर्म में होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है तो आप तुक्का मारोगे और तुक्का कभी सही जाता नहीं है,
कभी कभी चला भी जाता है यार, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या टॉपिक है मेरे पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है सर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरे जीन, बोरे जीन, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरे जीन, लाइन पे ध्यान देना बेटे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरे जीन। चलो साहब, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरे जीन की, तो सबसे पहला नंबर मैं लूंगा इसमें, देखो ये लिक्विड होता है, ये कैसा होता है, द्रव होता है, रंगहीन कलरलेस लिक्विड होता है, पर सुगंधित होता है, इसमें सुगंध आती है, ध्यान देना। तो ये क्या होता है, यह है रंगहीन, कैसा होता है बेटे, ये रंगहीन यानी कि कलरलेस, कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, बोलो ओके ओके। तो ये क्या होता है बेटा, कलरलेस लिक्विड होता है, ध्यान देना ये कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। अच्छा सेकंड नंबर कौन सा होगा इसका, इसका कोई सेकंड नंबर है, हाँ यार है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है, देखो किसी किसी बुक में लिखा हुआ 63 डिग्री सेल्सियस और किसी किसी बुक में लिखा हुआ 64.5 डिग्री सेल्सियस, तो 64.5 डिग्री सेल्सियस ये राइट है, 63 वाला जो है यहाँ पे भी ये भी दे रखा हुआ बुकों में, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ उसका, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 64.5 डिग्री सेल्सियस तथा मेल्टिंग पॉइंट, हर एक बुक में सेम मिलेगा इसका, दिस वन इज मेल्टिंग पॉइंट -58 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि इतने टेम्परेचर पे ये जम जाता और इतने टेम्परेचर पे ये उबलना स्टार्ट हो जाता होता, ठीक है। यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 64.5 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट -58 डिग्री सेल्सियस, ओके, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है, हर बुक में आपको यही मिलेगा। इसके बाद थर्ड नंबर, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो सब की सब व्यंजन के समान होती है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बेंजीन के समान होती है, बस बहुत इतना ही, बेंजीन के समान होती है, समान होती है, ठीक है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन के समान होती हैं, तीन पॉइंट हो गए, बढ़िया करके नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद देखते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। चलो साहब देखो, फिर अब पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरे जीन, पढ़ने फिर स्टार्ट करें, अरे बड़ा इजी टॉपिक है, मेहनत करो बढ़िया करके यार, डरो मत इस टॉपिक से, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है साहब, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरे जीन। एक तो नाम बड़ा शानदार लगता है मुझे, ये टॉपिक तो है ही शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद, लेकिन नाम भी बड़ा शानदार लगता। सबसे पहला नंबर मेरे पास आगा एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन मतलब रिएक्शन विद, ध्यान देना बेटे लाइन पे, रिएक्शन विद HCl, चाहे HCl से करवाओ या HBr के साथ करवाओ, होना एक ही काम है। HCl पकड़ लो हाइड्रोक्लोरिकम, या पकड़ लो हाइड्रोब्रोमिकम, जो तुम्हारा दिल चाहे वो पकड़ लो, मैंने HCl पकड़ लिया, पकड़ के बैठ रहा उसको, वो भैया संरचना बना दो आप, ठीक है, बोरोन नाइट्रोजन, ठीक है नाइट्रोजन, फिर से बोरोन, फिर से बोरोन, और फिर से मेरे पास क्या आ गया बेटे, ये एन आ जाएगा, क्या जाएगा मेरे पास एन, ठीक है साहब, इसके पास भी H हैगा, 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 बस मेरे पास नहीं है भाई H, यहाँ सब में क्या है मेरे पास H हैगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, बन गया बोरे जीन। अब बोरे जीन से देखो HCl क्या करेगा क्रिया, अभी मैं लिखवाऊंगा थ्योरी, इसके ध्यान देना, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर आपने रिएक्शन बना दी तो थ्योरी तो खुद भी लिख दोगे, पूरे का पूरा HCl ऐड हो जाता, पूरे का पूरा बेटा ये HCl मुझे ऐड करना है, जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ H जोड़ रहा है, और जहाँ जहाँ V है वहाँ वहाँ आपको Cl जोड़ना है, ध्यान देना B के साथ जोड़ देना C, पहले तो संरचना बनाओ इसकी, B फिर से मेरे पास N, फिर से मेरे पास N, फिर से मेरे पास B, ठीक है। अब जहाँ जहाँ B है वहाँ वहाँ Cl जोड़ देना, जहाँ जहाँ N है, जहाँ जहाँ N है वह तो है ही मेरे पास H, ए ये वाला, ये तो मेरे पास H है ही यार, सब में एच घूमते फिर रहे हैं। अब जहाँ एन है वहाँ एच जोड़ दो, जहाँ एन है वहाँ एच जोड़ दो, जहाँ एन है वहाँ एच जोड़ दो, जहाँ बी है वहाँ सी एल जोड़ दो, जोड़ दिया मैंने, तो ये बन गया बेटे ट्राइक्लोरो बोरेजीन, ठीक है, बीटा ट्राइक्लोरो साइक्लो बोरेजीन, साइक्लो बना, इसमें बॉन्डिंग क्रिएट हो गई है, लेकिन ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, B3N3C3B3, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, एक दो 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 चार दो छः दो आठ दो दस, कितने एच, कितने एच, कितने बैठ रहे हैं पहले एच काउंट कर लो, एक कितने बैठ रहे हैं हमारे पास, तो छः चाहिए हैं और तीन चाहिए हैं, ठीक है, बी थ्री, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, B3N3, ये क्या बना मेरे पास, B3N3H9, क्योंकि नो एच बैठ रहे हैं हमारे पास, है ना, और Cl3,
ये मेरे पास कंपाउंड बन गया, इसका नाम है, नाम क्या बताया मैंने इसका, इसका नाम नोट कर लियो आप के ट्राई क्लोरो साइक्लोबोरेजीन है ना। चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मैंने थोड़ी कहानी आगे बढ़ाई है, तो भी आपको घबराना नहीं है, तो भी आपको घबराना नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ से 3H2O बाहर कर दो, यहाँ से 3H2 बाहर कर दो। तो 3H2O मतलब ये है कि देखो यहाँ से बोरोन से एक एक एच और नाइट्रोजन से भी एक एक एच, इस टाइप से बोरोन से मैंने एक एच गायब करा है, ठीक है, कर दिया। फिर से अगेन मेरे पास क्या आ गया, नाइट्रोजन, फिर से अगेन मेरे पास बोरोन, फिर से अगेन मेरे पास नाइट्रोजन, फिर से अगेन बोरोन, फिर से अगेन नाइट्रोजन, ठीक है, आइए इतना ये। तो मैंने यहाँ से भी एच गायब कर दिया भैया, यहाँ से भी मैंने एच गायब कर दिया, तो मेरे पास सीएल आ जाएगा, यहाँ से ये मैंने एच गायब कर दिया सीएल आ जाएगा, लेकिन यहाँ से ये मैंने एच गायब कर दिया एक, तो इस टाइप से ये बन गया मेरे पास, ठीक है, तीन सीएल बने मेरे पास, एक दो तीन, तीन एच, तीन एन, तीन बी, इतना बन गया मेरे पास। तो इसका नाम है, मैंने क्या काम करा, इसको इसको मैंने बोंडिंग लगा देनी है, मुझे ये बोंडिंग मैंने कर देनी है, ठीक है। तो उसका नाम बन गया बीटा ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो बोरेजीन, बोरेजीन, बीटा ट्राई क्लोरो बोरेजीन, ठीक है, इसका नाम होता है बीटा ट्राई क्लोरो बोरेजीन। तो बीटा ट्राई क्लोरो बोरेजीन यानी कि B3N3 और S3 है ना, इसका नाम हो गया बीटा ट्राई क्लोरो बेंजीन, बन गया हमारा ये, ठीक है साहब। अब थ्योरी के लिए हो गया, आप थ्योरी लिखोगे आप, जब बोरेजीन को HCl के साथ 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो एक इंटरमीडिएट बनता है, जिसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करने पर क्या बनता है, बीटा ट्राइक्लोरो बोरेजीन बनता है, ठीक है। यानी कि मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि बोरेजीन, ठीक है, बोरेजीन HCl के साथ, HCl के साथ 50 से 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ताप पर, ठीक है, युगात्मक उत्पाद बनाता है, युगात्मक उत्पाद बनाता है जो अपघटित होकर बीटा ट्राई क्लोरो, ठीक है, बोरेजीन बनाता है। ये रिएक्शन मेरे पास आ जाती है, ठीक है, बना दोगे ना इस रिएक्शन को, तो इजी रिएक्शन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है। तीन एच टू मैंने बाहर कर दिए हैं, एक एन, एक एच एन से, यानी कि एक एच एन से, फिर इस वाले एन से, फिर इस वाले एन से, और एक एच बी से, तो सी एल सी एल बना के इस तरह से आप कंपाउंड बना देना। अब पढ़ लेते हैं रिएक्शन विद बी आर टू, इसका स्क्रीन शॉट ले ली फास्ट, जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट ले लिया, चलो आगे देखते हैं फिर। यार रिएक्शन में कह रहा हूँ काफ़ी बड़ी बड़ी होने वाली रिएक्शन है इसकी, ज़्यादा नहीं, एक दो रिएक्शन हो रहे हैं छुट्टी उसके बाद में फिर, ठीक है, फिर उसकी स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। चलो साहब देखो फिर ज़्यादा, रिएक्शन विद ब्रोमीन, ठीक है, रिएक्शन विद ब्रोमीन लगा लो साहब। अब सेम रिएक्शन ये भी होने वाली है यार, सेकंड नंबर की रिएक्शन मेरे पास आई है, रिएक्शन विद ब्रोमीन, ठीक है साहब, Br2। चलो साहब बना दो, देखो ये छोटी सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है मेरे पास, छोटी सी रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल सी, बना दो, बच्चों वाली रिएक्शन है मेरे पास। मैं यहाँ पे संरचना खोलकर बनाऊंगा, मेरे पास स्टार्टिंग में बी आएगा, फिर मेरे पास बेटे एच आएगा, फिर मेरे पास एन, फिर मेरे पास बी, फिर से मेरे पास एन, फिर से मेरे पास बी, फिर मेरे पास क्या आएगा बेटे, एन आएगा, हर किसी एन के साथ में एच जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, ये इस टाइप से हर किसी एन के साथ में यहाँ पर क्या होगा, एच जुड़ा हुआ होगा। तो मेरे पास यहाँ पर मैं बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा हूँ, बॉन्ड बना दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। चलो साहब मैंने यहाँ बॉन्ड बना दिया है, अब मेरे पास ब्रोमीन की एंट्री होती है 60 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या बनने वाला है। तो कुछ नहीं बनेगा, प्लस लगा के 3Br2, तो 3H, 1H, 1H, 1H बाहर कर देने हैं बोरोन से। तो 3HCl मैंने क्या कर दिया, 3HBr मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और जहाँ जहाँ से मेरे दोस्त आपने HBr से यानी कि बाहर करा है H, ठीक है, ये Br, फिर मेरे पास N, फिर मेरे पास N, फिर मेरे पास यहाँ भी रहेगा मेरे पास, फिर से मेरे पास N, फिर मेरे पास N, फिर मेरे पास B, और फिर मेरे पास H, और यहाँ भी H, और यहाँ भी H। अब मैंने क्या करा भैया, मैं को करा है कि यहाँ से मैंने Br बाहर निकाल दिया बस, ठीक है, बाकी मेरे पास सेम टू सेम प्रोडक्ट है, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, ये बन गया मेरे पास का नाम है बीटा ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, ठीक है, बीटा ट्राई ब्रोमो और बोरेजीन, बीटा ट्राई ब्रोमो बोरेजीन, ठीक है, ओके सर, बीटा ट्राई ब्रोमो बोरेजीन लिख दोगे, थ्योरी बन गई सिंपल सी रिएक्शन, कि जब बोरेजीन ब्रोमीन के साथ, यानी कि बोरेजीन ब्रोमीन के साथ क्रिया करके बीटा ट्राई
बीटा ट्राई ब्रोमो, बीटा ट्राई ब्रोमो बोरेजीन बनाता है, बोरेजीन बनाता है। ओके, बीटा ट्राई ब्रोमो बोरेजीन बनाता। चलो साहब आगे देखते हैं, बन गया। एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे थर्ड नंबर की, फिर उसके बाद में एक बड़ी क्वेश्चन करवाऊंगा। थर्ड नंबर की रिएक्शन एक और रह गई है हमारी, ठीक है साहब। थर्ड नंबर की रिएक्शन कौन सी रह गई है वो भी चेक लेते हैं हम। रिएक्शन विद बाटर, एक्शन विद बाटर, रिएक्शन विद बाटर, ये खुद लिख लोगे अपना आप बेटे। बाटर मतलब जल का सूत्र H2O होता है, ठीक है। अब भैया मेरे पास बोरेजिन की एंट्री हुई B3N3S6, बोरेजिन ने जैसे एंट्री मारी, इधर से मेरे पास जल ने एंट्री मारी, ठीक है, और बन के तैयार हुआ। ओ भैया बोरिक एसिड, कितने शानदार नाम है, बोरिक एसिड प्लस थ्री, प्लस क्या बाहर होगा मेरे पास B3N3S6, ठीक है, प्लस मेरे पास NH3 बाहर हो जाता है यहाँ पे तीन अणु, प्लस मेरे पास H2 बाहर होगा 3H2। बैलेंस चेक कर लो, बैलेंसिंग चेक कर लो बेटा, ये बाहर, ये हाइड्रोजन गैस बाहर, तीन तिया नौ, नौ एच हो गए, तीन तिया नौ, तीन दूनी छः, 18 6 24, ठीक है। इधर कितने हैं मेरे पास, नौ दूनी 18 6 24, बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन को जरूरत ना बैलेंस करने की, तीन ही है मेरे पास, तीन हो गए, ठीक है, और मेरे पास तीन भी होंगे, तीन भी हो गए, ठीक है, हो गए बैलेंस, और क्या करना, सब चीज़ बैलेंस है इसमें, ठीक है। तो लिख सकते हो आप कि बोरेजीन, खुद लिखना, बोरेजीन जल के साथ क्रिया करके बोरिक एसिड बनाता है, क्या बनाता है बेटे, बोरिक एसिड, लिख दो खुद, खुद लिख लो कि बोरेजीन जो होता है, बोरेजीन जल के साथ क्रिया करके, कि बोरेजीन, बोरेजीन जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, क्रिया करके बोरिक एसिड बनाता है, बोरिक एसिड बनाता है। ओके, बोरिक एसिड बनाता है, चलो मैं है देता हूँ, बोरिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो बोरेजीन जल के साथ क्रिया करके बोरिक एसिड बनाता है, इस टाइप से। एक और रह गया है थर्मल क्रैकिंग, यानी कि ऊष्मीय भंजन, या बोलते हैं उसको ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है, हीट ऑन इफेक्ट। पहले इतना उतारा जरा फटते से ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं कर दूँ उसको रेज, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, ठीक है साहब। चलो आगे देखो फिर, इतना अगर आपने कर लिया है तो अब एक रिएक्शन और हमारे पास रह गई है भाई इसकी, और वो रिएक्शन है, उसको भी आज देख लेते हैं, रिएक्शन को भी, कौन सी रिएक्शन है वो वाली भी, बहुत बड़ी रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। चला लाइन पे फोकस करना ठीक से, देखो ऊष्मा का प्रभाव फोर्थ नंबर है, ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है, ऊष्मा का प्रभाव, चलो साहब देखते हैं ऊष्मा का प्रभाव। लो साहब, चलो मैंने डाल दिया हेडिंग, ठीक है, हीट ऑन इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है किस चीज़ पर, बोरेजीन पे। देखो यानी कि बोरेजीन को गर्म करने पर, बोरेजीन को क्या करने पर बेटे, गर्म करने पर, गर्म करने पर, ठीक है, B6S6, ठीक है, H10 बनता है, H10 तथा B5H5H8, ठीक है, का मिश्रण बनता है, का मिक्सर बनता है, मिश्रण बनता है, ठीक है, ध्यान देना, दोनों का क्या बनता है, मिश्रण बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, लाइन पे फोकस करना है ठीक से, मैं बनाकर दिखाऊंगा चीज को, रिएक्शन को। तो मेरे पास पहले ना बोरेजिन बनाओ, ध्यान देना, मैंने बोरेजिन के दोनों लेने हैं, कितने अणु, दोनों बोरेजिन के, ऐसे करके देखो, बोरेजीन ये पकड़ा मैंने, फिर से H मेरे पास, फिर से N, फिर से N, फिर से B, और फिर भैया मेरे पास ये वाला भी रहेगा, ठीक है, ये भी मेरे पास रहेगा। अब मेरे पास क्या आगा, मेरे पास आ जाएगा बेटे फिर से N, यहाँ पे मेरे पास H रहेगा, यहाँ मेरे पास H रहेगा, यहाँ मेरे पास H रहेगा, यहाँ मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ मेरे पास H रहेगा, और यहाँ भी मेरे पास H रहेगा, ये बॉन्ड में रहेंगे हमारे, यहाँ यहाँ भी मेरे पास क्या रहेगा बेटे, H रहेगा, बन गया बोरेजीन, क्या बन गया, बोरेजीन। अब एक अणु सेम टू सेम आपको यहां ओ बना देता है, क्योंकि प्लस के दो अणु इस रिएक्शन में भाग करने वाले हैं, ठीक है, दो अणु। अब एक अणु मैंने देखो ओ बना, मैंने को सेम ऐसी का ऐसी, ठीक है, एन बन गया मेरे पास, ठीक है, बी बन गया मेरे पास, इधर से मेरे पास एन बन गया, इधर से मेरे पास बी बन गया, फिर मेरे पास बेटे क्या आ जाएगा, इधर को एन आ जाएगा, फिर से मेरे पास एच, 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 ठीक है, ये सब मेरे पास एच बन गए। अब क्या होगा, देखो बना, एक बार तो दो बार रिएक्शन होगी, जब हीट जब गर्म करोगे ना तो दो बार रिएक्शन होगी इस चीज़ की। रिएक्शन क्या होगी तुम्हारे पास, एक तो ये लिटा के बनाओ, क्योंकि ये वाला एच, ये वाला एच, यानी कि ये वाला एच और एक ये वाला एच, दोनों की दोनों ये ऐसे बॉन्डिंग होगी, यानी कि हमारा क्या होगा, यहाँ से ये वाला एच और ये वाला एच बाहर हो जाएगा,
ठीक है, बाकी सब हमारे ऐसे के ऐसे जुड़ जाएंगे। देखो मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ, थोड़ा गिरा के बनाओ इसको से करके, ये इस टाइप से ही है। ये मेरे पास b आ जाएगा, नहीं ये मेरे पास आएगा n, ये मेरे पास आ जाएगा b, फिर ये आ जाएगा मेरे पास n, फिर ये आ जाएगा मेरे पास b, ये आ जाएगा मेरे पास b, और ये आ जाएगा मेरे पास कितना बेटे n, ठीक है लाइन पे ध्यान देना, ठीक है। और ये है मेरे पास h, और ये है मेरे पास h, 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 ठीक है। और यहाँ से एच गायब हो गया, फिर यहाँ से भी एच, यहाँ से एच गायब, यहाँ से एच गायब, तो मेरे पास बी के एन के बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी, फिर ये मेरे पास बी आ जाएगा, इधर मेरे पास बी आ जाएगा, इधर मेरे पास एन आ जाएगा, इधर मेरे पास एन आ जाएगा, इधर मेरे पास क्या जाएगा बेटे बी आ जाएगा, ये वाला एच, ये वाला एच, ये वाला एच, ये वाला एच और ये वाला एच, ठीक है। यहाँ पर बॉन्डिंग शो कर दो बस छुट्टी। अब ये इसका फॉर्मूला क्या बना मेरे पास, बी सिक्स, फिर मेरे पास एच सिक्स और एच टेन बन गया प्लस। अब एक बार तो मैंने डेल्टा का बॉन्डिंग करी है, हो सकता है कि बॉन्डिंग ऐसे हुई हो, हो सकता है कि बॉन्डिंग इसमें ऐसे हुई हो, यानी को साइड टू साइड ओवरलैपिंग हुई, अभी तो हेड टू हेड मैंने ओवरलैपिंग करी है, हो सकता है कि साइड टू साइड ओवरलैपिंग हुई हो, तो ये वाला फॉर्मूला था मेरे पास बनकर तैयार हो गया। अब मैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग करवा के दिखा रहा हूँ तुम्हें कैसे करनी है। तो ये वाला एच गायब हो जाएगा, ये वाला एच, ये वाला एच गायब हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला बी फाइव और एक इनमें से एक एन और एक बी गायब हो जाएगा, एक एन और एक बी गायब हो जाएगा, कुछ इस टाइप से संरचना मुझे देखने मिलेगी प्लस, ठीक है, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर मिलती है देखने के लिए, बी एच एन, फिर से एच, फिर से बी, फिर से एच और फिर से एन एच, ठीक है, एन बी है ना ऐसा। अब देखना ध्यान से, तो मैंने क्या काम करा, ये वाला एच, ये वाला एच, ये वाला एन, ये वाला बी गायब, और यहीं पे मेरे पास बॉन्डिंग हो जाएगी बी के साथ में एच, ठीक है, फिर मेरे पास ये वाला n, ये वाला b और फिर से h मेरे पास n और फिर से मेरे पास क्या जाएगा बेटा ये h आ जाएगा, फिर यहाँ से मेरे पास h, यहाँ से मेरे पास h, ठीक है, ये फिर और मेरे पास ये और ये। अब ये देख लो, तुम चेक कर लो सर इसको कितने बैठ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच भी बैठ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच n बैठ रहे हैं, ऐसे तुम्हारे पास एच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हो जाता है। तो ये बन गया हमारा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बी फाइव एन फाइव और एच एट, ठीक है। इन दोनों का क्या बनता है, मिश्रण बन जाता है जब भी आप इसको गर्म करते हो, है ना। तो मैंने बोला कि बोरोजिन को गर्म करने पर बी सिक्स एच सिक्स एच टेन तथा बी फाइव एच फाइव एच टेन का मिश्रण बनता है। इस टाइप से आप दोनों का मिश्रण बना सकते हो, बहुत जरूरी है रिएक्शन ये वाली भी, ठीक है, दिखा कर आओ टीचर को, करके आओ यार, क्योंकि रिएक्शन इजी है बिल्कुल। एक बार तो क्रॉस बॉन्डिंग करवाओ, एक बार साइड टू साइड बॉन्डिंग करवाओ, आराम से भर के तैयार। और अगर ये संरचना तुमसे ना बनाना आ रही हो तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, बोराजिन पकड़ो दो अणु और ये दिखा दियो बी सिक्स एच टेन प्लस ओ फाइव, ठीक है। यानी कि खाली बोराजिन लिखना, फॉर्मूला लिखना कुछ इस टाइप से, ऐसे अगर फॉर्मूला लिखना आपको कि बी बी थ्री एन थ्री एच सिक्स पकड़ना दो अणु और डायरेक्टली गर्म करके इसको शो कर देना बी सिक्स एच सिक्स एच टेन प्लस बी फाइव एच फाइव एस टेन, है ना, ये आप शो कर देना इस चीज़ को। लेकिन यार टीचर लाइन में क्या होता है कि जब टीचर को जब तुम ये दिखा कर आओगे ना तो अलग ही इंप्रेशन आएगा, अलग ही इंप्रेशन आएगा, नंबर बढ़िया देखा जाएगा, नंबर नहीं कटेगा आपका बिल्कुल भी। लेकिन अगर ये शो कर आओगे आप तो उसे भी लगेगा यार बच्चे ने मेहनत नहीं करी है। तो बेटर यही है कि आप इससे ये बना कर पहले ये लिख देना, उसके बाद में हमारी ये कहानी स्टार्ट कर देना, है ना, ये करके आना आपको ज़बरदस्ती। चलो आगे देखते हैं, फिर अब पढ़ लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर। पहले यहाँ तक का स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी, फास्ट ले लिया स्क्रीन शॉट ले लिया, ठीक है, आगे देखो जरा चीज को। अब चलो साहब, मैं इसके बाद नया टॉपिक करवाना है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ बोरेजिन। ज़्यादा बड़ी नहीं करवाऊंगा यार, इतना बड़ा नहीं लिखवाऊंगा, शॉर्टकट मार देंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोरेजिन के बारे में भी, ठीक है। तो जरा डाल दो हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ बोरेजिन, स्ट्रक्चर ऑफ बोरेजिन, स्ट्रक्चर ऑफ बोरेजिन, ठीक है बेटे। देखो सबसे पहले पॉइंट याद कर लो के एक्सरे अध्ययन द्वारा पता चलता है, ठीक है, कि बोरेजिन की जो स्ट्रक्चर होती है वो समतलीय षट्कोणीय होती है, अर्थात बेंजीन के समान होती है। मैं यहाँ पे ये लाइन लिखने वाला हूँ कि एक्सरे अध्ययन द्वारा, ठीक है, एक्सरे अध्ययन द्वारा पता चलता है कि, द्वारा पता चलता है कि, पता चलता है कि बेंजीन की जो स्ट्रक्चर आती है, मतलब बोरेजिन की, बोरेजिन की किसकी बेटे, बोरे जीन की जो स्ट्रक्चर होती है, बोरेजिन की स्ट्रक्चर, ठीक है, बेंजीन के समान होती है, बेंजीन के समान, बेंजीन के समान, ठीक है,
समतलीय षष्ठकोणीय होती है, ठीक है, समतलीय षष्ठकोणीय होती है। अर्थात मैं लिख दे रहा हूं यहां पे कि निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है, अतः बेंजीन की स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ बोरेजीन की स्ट्रक्चर, बोरेजीन की स्ट्रक्चर निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। लाइन पर ध्यान देना, बोरोन एच, ठीक है, फिर से मेरे पास क्या है बेटा यहां पर, ये एन, फिर से बी, फिर से एन, फिर से एन, फिर से बी, ये, और यहां भी एच, यहां भी एच, और मेरे पास यहां भी एच, और यहां भी एच, और यहां भी मेरे पास क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। बॉन्डिंग शो कर दो, या दिस इज अ सिंबल ऑफ रिजोनेंस, सिंबल ऑफ रिजोनेंस, बॉन्डिंग में भी शो करते हो उसको, ऐसे करके शो कर सकते हो, ए इस टाइप से शो कर सकते हो उसको, बोरोन, ठीक है, एन बोरोन, फिर एन, फिर बोरोन, गलत हो गया, एन फिर बोरोन, ये एच 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 एच, फिर से एच, फिर से एच, ठीक है, और ये बॉन्डिंग ऐसे शो कर सकते हो, या इसको आप ले सकते हो कुछ इस टाइप से, इसको आप ले सकते हो कुछ इस टाइप से, देखो बी एच एन एन एच, या है बेटे, ठीक है, कभी इसमें मिलाओ जबरदस्ती, बी एच फिर से एन एन एच, फिर से बी एच, फिर से एन एच, आप इसको कुछ इस टाइप से भी शो कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया हमारा, तो इस टाइप से आप शो कर सकते हो। एक चीज़ और बताऊँ तुम्हें मैं, एक स्ट्रक्चर और आती है, अगर आज इस वाले बॉन्ड को क्रैक कर दोगे ना, इस वाले बॉन्ड को क्रैक कर दोगे, तो यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये बॉन्ड क्रैक हो जाएगा, ठीक है। मैंने बता दिया था कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे निगेटिव होगा, बोरोन बोरोन पे, यानी कि नाइट्रोजन पे बोरोन बोरोन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे निगेटिव होगा, अब कैसा आता वो भी हम इस चीज़ को चेक करेंगे, अभी आ गया। फिर अपना कर लो कि डबल बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, जरा मुझे बताओ बेटे, इसमें जरा मुझे ये बताओ डबल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है, मैं लिखवा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, के बोरोन और एन यानी की लंबाई, वन पॉइंट कितनी होती है, 1.44 एंगस्ट्रोम होती है, 44 एंगस्ट्रोम, तथा बोरोन डबल बोन एन की जो लंबाई होती है बेटे वो कितनी होती है तुम्हारे पास, वो होती है 1.36 एंगस्ट्रोम होती है, 36 एंगस्ट्रोम होती है, तथा बोन एंगल, बोन एंगल होता है ना, बोन एंगल वो 120 डिग्री का होता है, और आपको पता होना चाहिए कि इस बोरेजीन में संकरण कौन सा पाया जाता है, sp2 पाया जाता है, ठीक है, और sp2 संकरण में एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल भाग बनाकर तीन नए हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल बनाते हैं। अब sp2 ऑर्बिटल मतलब डबल बोन्ड में सबके सब यहाँ पे ना अपने आगे पीछे यहाँ 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 सब बॉन्ड बना लेते हैं, तीनों के तीनों sp ऑर्बिटल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन एक p ऑर्बिटल क्या होता है हमारे पास, वैकेंट होता है, जिसके द्वारा क्या बनता है मेरे पास, पाई बॉन्ड बनता है। अब नाइट्रोजन एटम अधिक क्या होता है तुम्हारे पास, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, किससे, बोरोन से, तो ये साझा किए गए इलेक्ट्रोनियम को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आता है मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, इतना और लिखवाने वाला हूँ, तो जरा ध्यान से देखो इसमें कि डबल बॉन्ड की लंबाई कितनी है, पहले जरा मुझे ये बताओ कि इस डबल बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो होती है 1.36 एंगस्ट्रोम होती है, और सिंगल बॉन्ड की जो लंबाई होती है बेटे वो कितनी होती है मेरे पास, 1.44 एंगस्ट्रोम होती है। इस लाइन पर आप फोकस कर लो ठीक से और कवर कर लो इसको, तो मैं इसको इरेज कर दूं यहाँ तक, आगे पढ़ाऊँ फिर, ठीक है, यहाँ उतार लिया आप लोगों ने, चलो साहब आगे देखो, इस चीज़ को हम आगे देख लेते हैं। अरे बड़ा इजी है टॉपिक, बहुत इजी है, तुम्हें लग ऐसा रहा सब पहाड़ों, बिल्कुल है बड़ा इजी टॉपिक। देखो थोड़ी सी कथा तुम्हें खुद लिखनी पड़ेगी, अपने आप थोड़ी सी कथा आप खुद लिखना भाई, आप जो कथा है वो तुम्हें बता रहा हूँ, देखो कौन सी ऐसी कथा है जो तुम्हें खुद से लिखनी है अपने आप, देखो जरा ध्यान से बना रहा हूँ मैं। अगर मैं एक संरचना बनाऊँ ना ऐसे करके कुछ, ये मेरे पास एन रहेगा बेटे यहाँ पे, यहाँ मेरे पास बी रहेगा, फिर से मेरे पास एन रहेगा, और फिर से मेरे पास यहाँ बी रहेगा, यहाँ बी रहेगा, और यहाँ मेरे पास क्या रहेगा, एन रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर एक घटना ये घटेगी कि सबके सब मैंने सिग्मा बॉन्ड बना दिए हैं, सबके सब मैंने यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना दिए हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है
कि नाइट्रोजन और बोरोन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यानी कि बोरे जीन में, काय में बेटे, बोरे जीन में, ज़्यादा लंबा ही नहीं, थोड़ा सा लिखा हुआ है, बोरे जीन में ठीक है sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ठीक है ठीक है। तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, कोवालेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, शॉर्ट मार दिया मैंने, लो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सब सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मैंने सोनी कहा, सब सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ठीक है ठीक है। तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एक पी ऑर्बिटल वैकेंट होता है ठीक है, वैकेंट होता है जो क्या बनाता है बेटे, जो पाई बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन एटम जो होता है वो बोरोन एटम से कैसे होता है, बोरोन एटम से अधिक निगेटिव होता है, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है जिस कारण नाइट्रोजन एटम पर निगेटिव चार्ज तथा बोरोन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि ये सब क्या है मेरे पास, ये सब क्या बना दिया मैंने, ये है पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल बनाया मैंने, ये सब मेरे पास क्या पी हैं, ये जो कि बैकेंड होते हैं ठीक है। ये अब देखो जरा, कुछ मैं शो कर रहा हूँ इस चीज़ के, ये नाइट्रोजन, मैंने नाइट्रोजन के जो है मैंने ऐसा कर दिया, और बाकी सबके ब्लू सर, इनके बीच में तुम्हारे पास सब में ओवरलैपिंग होती है, और तुम्हारे पास क्या बन जाता है बेटे, एक पाई बॉन्ड बन जाते हैं कुछ इस टाइप से। देखो बोरोन नाइट्रोजन, फिर से हमारा बोरोन, फिर से नाइट्रोजन, फिर से बोरोन, और फिर से हमारा नाइट्रोजन, ये ठीक है। अब लाइन ऑफ फोर्स करना ठीक से, देखो ये मैंने बॉन्ड सो ऐसे कर दिए, यहाँ भी एच होगा ठीक है। इस पर होगा मेरे पास निगेटिव चार्ज, इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी निगेटिव, और ये मेरे पास क्या बेटे एन होगा यहाँ, इस पर भी होगा मेरे पास निगेटिव होगा ठीक है। एन पे निगेटिव आएंगे और बाकी सब पे मेरे पास क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, इससे मेरे पास बी हो जाएगा, ये मेरे पास क्या बी है, इससे मेरे पास क्या जाएगा पॉजिटिव ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास NH पे निगेटिव आ गया और इस पर क्या मेरे पास पॉजिटिव ठीक है। तो मेरे पास तीन पॉजिटिव हो गए, तीन निगेटिव हो गए ठीक है। इस टाइप से मेरे पास नाइट्रोजन पे निगेटिव और बोरोन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता ठीक है। तो बिल्कुल सेम व्यंजन के समान ही होती है ठीक है, स्ट्रक्चर बिल्कुल व्यंजन के समान ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमने कवर कर लिया कि बोरेजीन क्या होता है और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे बनाया जाता है, सब इस लेक्चर में कवर कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं डाइबोरोन क्या होता है ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।